ंग पे मै कॉफी ब्रांड लेके ठेका कॉफी आती है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा हूँ इसके कारण से आपका हर स्टाफ आपके साथ जुड़ा रहे मेरे को शार्क टैग जाने से पहले ये वर्ड भी नहीं पता था मुझे स्टार्टअप भी नहीं पता था मैंने तो वहां से आने के बाद ये समझा की सीरीज ए होता है बी होता है इंडिया में ना प्रीमिक्स पाउडर कॉफी आज भी बहुत ज्यादा Welcome to our show sir thank you to so

कस्टमर आर रियक्टिंग वे आइडली जैसे वो करते हैं so, yeah. so सिर्फ ठेका नाम रख दिया बियर बॉटल नहीं दी होती पलंग तोड़ ने नाम है मेरे वो नहीं दिए होते इतना <laughs> तो मजा नहीं आता हाँ. honestly. एक पैकेज अच्छा बना Hmm. So, हर ब्रांड का ना एक सेंटर पॉइंट पकड़ना होता है and then उसके आसपास सब चीजों को करेक्ट करना होता है वेरी गुड प्रोडक्ट अगर सिर्फ ठेका नाम रख के बियर बॉटल दे दी होती तो इट हैव नॉट बीन दैट मच फन द होल इज फन अल्टीमेटली तो लोगों को हंसी आती है आके ठेका कॉफी इसमें एक चीज मैंने फिगर आउट करी जैसे इंडिया में लाइक बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स हैं और फॉरेन के भी ये जो ठेका वर्ड है और उसके साथ आपने यू you नो know, जैसे आपके जो कॉफी के नाम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, है हाँ। तो आपने ये चीज वो इंडियन चीज को आगे बढ़ाने के लिए करी है या इट्स लाइक like

मतलब मैंने एस्प्रेसो सोचा था गरम वो आज भी काफी लोगों को लगता है ऑर्डर हाँ। हाँ। uh, कर करते हुए अल्टीमेटली <laughs> हाँ। तो वेरी वेरी नाइस पीपल दे कम एंड दे जो एक पलंग तोड़ दो आज जरूरत है मुझे एक नेक्स्ट लेवल दो आज तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा हूँ लोग खुद ही अपने जोक्स बना के हमसे ऑर्डर करते हैं मजेदार होता ही आई थिंक मैंने बहुत पहले एक फूड काउंटर देखा था हाँ। तो आ, डिश का नाम था सनी लियोनी चाप <laughs> तो मतलब मैंने उससे पूछा बंदे से जो बेच रहा था कि ये, ये क्या है हाँ। कहता सर देखो आपने पढ़ा मैंने कहा हाँ खैर मजेदार लगा हाँ। मैंने कहा हाँ, हाँ। खैर ऑर्डर करोगे मैंने कहा पता नहीं हाँ। खेरा लेकिन याद रहेगा आपको हंड्रेड यह। परसेंट हाँ, यही तो बात खेरा लेकिन है। याद रहेगा आपको

Uh, हाँ। आउटलेट हाँ। nice. खोला था तो क्या चैलेंज फेस किया था मतलब मेजर जिसमें आपको लगा यार ये तो मतलब बहुत ही so, खराब हो गया खोलने से पहले मैंने चैलेंज फेस किया था okay. so, ये हुआ था की क्यूँकी लैक ऑफ नॉलेज थोड़ा सा हाँ। कम नॉलेज के साथ वो

चेंज yeah. uh, मुझे कुछ नया करने की जरूरत है सो hmm. ठेका so, बनाने का मैंने एफर्ट शुरू किया अब मैंने hmm. एक बड़ा सा रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिया बिना कोई लाइसेंसेस के क्योंकि ah. तो पैसे थे इंथुजियाजम हाई था कि क्या hmm. होगा देखा जाएगा सीधा गवर्नमेंट आई दे ब्रोक द होल प्लेस सो माई फर्स्ट

पॉइंट्स कनेक्ट होते 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 अहमदाबाद आके मैंने डिसाइड किया कि आई स्टार्ट अ कॉफी कार्ड अब सबसे बड़ा चैलेंज है रोड पे चालू करना

लोगों को बैरियर ब्रेकिंग लगता था आज हाँ। भी लोग उसकी स्टोरीज प्रमोट करते हैं कि मैंने रोड से शुरू किया पर मुझे वो बड़ा फन लगता है मैं आज भी अपने सारे आउटलेट्स पे जाता हूँ कार्ड चलाता हूँ स्टॉक बेचता हूँ क्योंकि वो जो बैलेंस uh, होता है माल बेचना खुद खड़े होके हाँ। उसकी फीलिंग ही कुछ और है एंड प्लस मुझे लगता है uh, correct me if I'm wrong, ये काम करने से ना आप जब कंपनी uh, बनाकर ग्रो करके एक अच्छे लेवल पर बैठ जाते हो लाइक व्हेन यू बिकम अ मैनेजर फ्रॉम एन ऑपरेटिंग लेवल राइट ऑपरेटर से आप जब मैनेजर बनते हो या टॉप मैनेजर उसमें बैठते हो एंड नाउ यू हैव पीपल वर्किंग विद यू इन दैट सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने वो रोड वाला काम करा है ना uh -huh. तो आप जब मीटिंग्स ले रहे हो बात कर रहे हो या आप कुछ भी बात कर रहे हो ना तो यू नो कि ग्राउंड रियालिटी के एग्जैक्टली एंड यू नो इट्स लाइक आई फील दिस मैं पर्सनली किसी कॉपरेट में काम नहीं कर सकता हूं उसका सबसे बड़ा रीजन ये मेरे को पीपीडी समझ में नहीं आती आई एम ए वेरी सिंपल वाला गाय uh. मेरे को पीपीडी समझ में नहीं आती मेरे को आगे सीधा बताओ भाई ये प्रॉफिट है ये लॉस है ये धंधा है राइट इफ यू शो मी दैट पूरा थिंग ना

आई गिव दिनशिप वैल्यू यार यू आर दी ओनर ऑफ यूर बिजनेस मैं तो ठेका के लिए काम कर रहा हूँ आप भी ठेका के लिए काम कर रहे हो hmm. हमारा गोल एक है कि ठेका को बड़ा बनाना ना आप hmm. मेरे लिए कर रहे हो ना मैं आपके लिए कर रहा हूँ yeah. मैं गलत तो हूँ मुझे आके बोल दो आप गलत हो तो मैं आपको मुंह पे बोलूंगा ये लेफ्ट राइट मुझसे नहीं होता एंड आई एम ए लिटिल कुल मतलब मेरा थोड़ा सा कुल cool बिहेवियर है विद पीपल ऐसा है कि गलती कर रहे हो ठीक है करते रहो मैंने आपको हायर की है आपको रखना मेरा काम है अल्टीमेटली लेकिन आपकी गलती को सुधारने के लिए मेरे को पता है मेरे को कैसे करवाना है मैं खुद कर लूंगा सो वो इंसान खुद सुधर जाता है लग। मैंने बहुत ये चीज नोटिस करी है आइडली इन दिस होल ऑन्टरप्रीनरशिप वर्ल्ड और ये सारा जितना भी जो रहता है इसमें ना मैंने एक चीज देखी है

कर रहा और मैं बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ आई नो हाउ टू ग्रो माई बिजनेस तो मैं ऑन्टोप्रिनशिप के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ ना मैं उनके बारे में कभी ज़्यादा ज्ञान देता हूँ बिकॉज मैं ज्यादा बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता मैं मेरे बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ उसमें हाँ। मैं बेस्ट हूँ ऐसा है तो आ... जैसे मैंने ना आपका ब्रूइंग प्रोसेस देखा था हाँ। कॉफी का सारा कुछ उसमें डिफरेंस आता है मतलब क्या ऐसा चीज है so, जो बहुत यूनिक हाँ। हाँ। रहती है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाँ। क्योंकि इंडिया में ना प्रीमिक्स पाउडर कॉफी आज भी बहुत ज्यादा कॉमन है और प्रीमिक्स पाउडर कॉफी इज नॉट रियली द कॉफी सो आप जैसे ही फ्रेशली ब्रूड कॉफी पियोगे मेरी नहीं किसी की भी आप जाके बस एक फ्रेशली ब्रूड कॉफी टेस्ट करो आपको रियलाइज हो जाएगा की फ्रेशली ब्रूड कॉफी और प्रीमिक्स में बहुत बड़ा गैप नाउ द प्रॉब्लम इज के मेरी ब्रांड के अलावा बाकी सब लोग फ्रेशली ब्रूड कॉफी बहुत महंगा देते सो okay. so, हम लोग उसको अफोर्डेबल करने की कोशिश करें ताकि मास पॉपुलेशन उसको ड्रिंक कर सके सेकंड गुड पार्ट इज वी डू अ कोल्ड ब्रू प्रोसेस जो आप ब्रूइंग की बात कर रहे हैं ah. अब ब्रूइंग के अंदर ऐसा है कि कोल्ड ब्रू प्रोसेस में एसिडिक प्रोफाइल कम होती है सो देर आर टू काइंड्स ऑफ ड्रिंकर्स एक इंडल्जेंस बेस्ड पीते जिनको टेस्ट अच्छा लगता है ah. दूसरे लोग होते हैं जो कैफीन चाहते हैं काफी लोग कैफीन के लिए कॉफी पीते हाँ। हैं सो so, जो कैफीन वाले वो दिन में चार पांच कप पीते हैं उससे उनका एसिडिटी बहुत ज्यादा एंड दे हैव मल्टीपल टाइम्स इन अडे विलो इशूज देम उसमें नेचुरल स्वीटनेस है विच इज ऑल्सो वेरी गुड पार्ट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इन अमेरिका मतलब अमेरिका में बॉम्बे में भी अब दिल्ली में भी कोल्ड ब्रू बहुत कॉमन है आज के टाइम सो बेटर होता है एक हजार टका आप अगर कोल्ड ब्रू पी रहे हो आपको उसका दस दिन पियो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंज है काफी ज्यादा हॉट ब्रू से ऐसे कुछ बहुत इंप्रूव नहीं कर रहा है कॉफी आपकी बॉडी को ऑब्वियसली लेकिन अगर आप हॉट ब्रू कंज्यूम कर रहे हैं और आप फिर कोल्ड ब्रू पिए तो आपको रियलाइज होगा कि यार मेरी बॉडी काफी सही है कोल्ड ब्रू पीने से

कम होती है, हैज बीन मोर ऑफ अल्टीमेटली एंड जुगाड़ लीड्स मी टू गुड थिंग्स बिकॉज मैं परफेक्टली करने की कोशिश करता हूँ पर आउटलेट अराउंड 300, हंड्रेड के आसपास आउटलेट्स आई डोंट नो मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरा हाँ हाँ तीन सौ प्रॉफिटेबल है आराम से पर डे बिजनेस मॉडल ही बहुत प्रॉफिटेबल है हमारा क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल है location, तो okay. है यू मेक प्रोडक्शन एट वन लोकेशन तो कॉस्ट एक जगह पे और आप मल्टीपल जगह पे बेचते हो तो hmm. काफी जगह पे ऐसा है कि मेरी रोड पे काट है दिल्ली में hmm. हम आपके पास आते हैं एक जगह से और एक जगह पे आप मेरे पास भी आते हो सो कस्टमर का आना जाना लगा रहता है बेसिकली एंड आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट बिजनेस मॉडल इन फूड इंडस्ट्री हब एंड स्पोक के बिना सर्वाइव करना बहुत इम्पॉसिबल है तो मतलब जो आपके फ्रेंचाइजीज है वो बनाते नहीं है आप उन्हें

अगेन इट्स फाउंडर एंड द ब्रांड्स नियत एंड नीति ये है कि हम सबको आर uh, ओ जल्दी निकाल के दे हाँ। उनके इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाले और ब्रांड को एक्चुअली में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड चलाए दो तीन साल में बंद करने वाला ब्रांड होता तो आई वुड हैव नॉट इन्वेस्टेड माई टाइम इन टू इट एक पर्सनल क्वेश्चन हाउ डू यू लुक एट मनी मतलब पैसे को कैसे देखते हो मनी मेरे को नहीं इतनी इम्पोर्टेंट चीज लगती मेरे को सक्सेस ज़्यादा लगती है और पैसे hmm. मेरे को बहुत इजी लगे हैं आज तक लाइफ में कि पैसे कमाना इज नॉट वेरी टफ अगर आप मेहनत करो तो आप कमा लोगे आपकी भूख ज्यादा है तो आपकी ग्रीड है अब आप, आपको हाँ. बीस हजार से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उतना कमाने जितना तो आप काम कर सकते हो hmm. ऐसे बहुत काम है जो आपको बीस हजार दे सकते हैं सो मेरे लिए पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है दो आई है बिकॉज ऑफ माई बैड बैकग्राउंड इन द पास तो मेरे को ऐसा था कि आई वांट टू दिस मनी इज नॉट दैट आई वांट टू अर्न मनी मेरे को ऐसा है कि मेरे को पैसे की वैल्यू खत्म करनी है okay. कि मेरे दिमाग में पैसा नहीं आना चाहिए Hmm. कि मेरे आसपास कोई भी इंसान है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे को एक लाख रुपए की चीज लेनी तो मुझे सोचना पड़ेगा या मुझे इसके लिए प्लान करना पड़ेगा मुझे वो नहीं मनी इज लाइक राइट इफ यू है ऐसा है की जैसे ही पैसे नहीं होते तो मैं और कमा पाता हूँ hmm. क्योंकि नीचे गिरते उठने की आदत है सो द मोमेंट आई एम डाउन आई रन इवन फास्टर अल्टीमेटली। बट आई स्टिल डोंट वैल्यू मनी मतलब मैं पैसों को वैल्यू नहीं करता मैं सक्सेस को बहुत ज्यादा करता हूँ अच्छा अब वो चाहे पैसों से हो या आपके काम से हो ऐसा है सो so, मेरी पर्सनल नीड्स बहुत कम है ऐसी कोई ज्यादा ग्रैंड नीड्स नहीं है मेरी लाइफ की सो so, लाइक like, uh, ऐसा क्यों है पर्सनल नीड्स का मैं मतलब मेरे शौक ट्रैवलिंग के हैं ज्यादा ऐसा नहीं है की आई लव लिविंग इन अ वेरी लग्जूरियस हाउस या मैं बहुत मैं रिक्शा में घूमता हूँ गाड़ी वाड़ी भी नहीं चलाता ऐसा कुछ मेरे को मेरे शौक ही नहीं है वैसे हाँ। मेरे शौक है मुझे बहुत अल्ट्रा लग्जूरियस होटल्स में रहना है अच्छी जगह पे ट्रेवल करना है अच्छी पार्टीज करनी है अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना है दैट्स वॉट आई लाइक टू डू बाई ट्रेवलिंग एंड लुकिंग एट ब्यूटीफुल थिंग्स माउंटेन्स नेचर ये सब तो मेरे वैसे शौक नहीं है मटेरियलिस्टिक कि मैं एक जगह पे रह के अपना पूरा बहुत सुंदर आलीशान घर और गाड़ियां और बहुत सब कुछ बिल्ड करो जाता <laughs> और अहमदाबाद में मैं मैं जब रहता हूं तो मेरा मेरा कोई कोई खर्चा ही नहीं नहीं है 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 क्यों क्या खाना पीना ऐसे कोई शौक है नहीं मेरे okay. मैं almost 13, 14 hours काम करता वीडियो mm. गेम है, एक तरीके से <laughs> मैं गेम uh. खेलता हूँ घर जाता हूँ सो जाता हूँ उठता हूं, फिर काम करने चला जाता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई डू इट्स व्हाट आई गए होंगे 14 से अभी तक कितना नहीं, तो तो काफी, हाँ, काफी पंद्रह साल हो गए सो so, पंद्रह साल के बाद तो सक्सेस बनती है अल्टीमेटिट हाँ, कितनी मेहनत तुम सालों से कर रहे हो तो तो होना ही है हाँ। शार्क ट्रैंक का क्या कैसा एक्सपीरियंस गया आपका अमेजिंग मतलब मेरे हिसाब से शार्क ट्रैंक अगेन जाना ही चाहिए ट्राई करना ही क्यों? चाहिए यार वो प्लेटफॉर्म ऐसे जा तुमको आपकी स्किल्स परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको ये नहीं देखता हूं कि तुम्हें क्या मार्केटिंग मिलती है या तुम कितना ज्यादा उससे फेमस होते हो तुम्हें एक्चुअली में वो दस मिनट या एक घंटा जो भी तुम्हारा टाइम है उनके सामने शार्क के सामने हाँ। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है जो तुमने बिल्ड करी है तुम्हारी नजरों में सो so, अगर मैं शार्क टाइग के पोडियम पे कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ लोगों को मैंने बात बहुत अच्छे से करी है मेरे को सारे आंसर आते थे मेरे को नंबर भी तब याद थे बाई चांस तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी हुई थी सालों से अगर वो सालों से प्रैक्टिस नहीं करी होगी और आप अंदर जाओगे तो मैंने देखा बहुत लोग फंबल हो रहे थे बात नहीं कर पा रहे थे नर्वस हो रहे थे मेरे कोई टेक्स थे ही नहीं मैं एक ही बारी में खत्म करके बाहर आ गया फिर सामने मेरे को शार्क से इंटिमिडेटेड फील नहीं हुआ बाकी लोगों को हो रहा था तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्डिंग वहां पे जज हो जाती है आप बेस्ट प्लेटफार्म पे पहुंचते हो एंटरप्रेन्योरशिप के इंडियन लेवल पे

फूड इंडस्ट्री के जो ऑन्ट्रप्रेनर होते हैं वो एक्चुअल हार्डवर्क लेते हैं कि मैं सेम एसओपी सिस्टम्स के बेसिस पे हर किचन में इंडिया में अपना सेम प्रोडक्ट बनाऊंगा वो भी hmm. अलग अलग रैंडम आदमियों से इट्स अ वेरी बिग चैलेंज तो वो लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि स्केलेबिलिटी कम हो जाती है आपकी Hmm. ऐसा है एफ एम सी सी तो आप एक लाख लोकेशन पे प्रोडक्ट रख सकते हो ना ah. एक आप शायद एक महीना मेहनत करोगे तो आपकी हर जगह प्रोडक्ट फैल जाएगी फूड ah. इंडस्ट्री की ग्रोथ भी स्लो है ओके यस बट इट्स मोर वैल्यू बिल्डिंग बिजनेस ऐसा है क्योंकि कैसा है कि अब कोई मेरी कॉफी पीता है उसको फ्रेश कॉफी अच्छी लगती है तो वो मेरे लिए कितनी प्राइड की फीलिंग होती है अदर इन द मनी कि मेरा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट दिल्ली के कोई लोकल इंसान ने पिया और उसको बहुत मजा आया बॉम्बे में पिया चेन्नई में पिया कोलकाता में हम लोग प्रेजेंट है काफी सारी सिटीज में तो हर किसी को जब अच्छा लगता है तो वैल्यू

तो बेसिकली यू नो कि ये चीज मेरे को हार्म करेगी मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको पता भी नहीं है लेकिन वो आपको इस लेवल पे हार्म करता है दैट यू हैव नो नथिंग टू डू आप कुछ नहीं कर सकते उसमें क्योंकि मतलब आप सोचो ना आपने आज आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो बहुत ज्यादा uh, कल सुबह उतर जाएगा वो राइट uh, uh, right? अब इसके लिए आपने पैसे भी खर्च नहीं करे इसमें आपको कोई डिस्कलेमर वार्निंग भी नहीं मिली तो इस सैनारियों के अंदर क्या है यू कीप ऑन कंज्यूमिंग कीप ऑन कंज्यूमिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की वजह से एक चीज बहुत ज्यादा होती है दैट इज एक्शन फेकिंग बंदा कुछ कर नहीं रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि अरे मैंने तो कर दिया द रीजन यू नो आई आई हेट सेल्फ हेल्प पॉन्टेंट और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये दैट सेल्फ हेल्प मेक्स यू फील दैट यू हैव अकॉम्प्लिश समथिंग विदाउट इवन अचीविंग एन आपको एक सेंस ऑफ अम्पलिशमेंट देता है विदाउट इवन यू अचीविंग एनीथिंग कुछ किया नहीं है लेकिन फीलिंग आ रही है दैट इज द रीजन यू आर ईटिंग गुड आप तभी पे कर रहे हो तो आप उस फीलिंग के लिए पैसे दे रहे हो फीलिंग के लिए जी रहे हो तो वही चीजें फ्री में मिल जाएगी तो आदमी अगर आपको वो अकम्प्लिशमेंट की वो आपने कुछ उखाड़ दिया फोड़ दिया वो फीलिंग आपको अगर फ्री में मिल गई बिना कुछ करे तो आप क्यों मेहनत करोगे राइट right. है ना? Agreed. मुझे ऐसा लगता है कि तो अब तू मान लेगा इस बात को हाँ मतलब आपके लाइफ में अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ एकदम प्रॉपर मस्त हंकी डोरी है और मैं आपको आके ऐसे बिल्कुल धीरे से आवाज में बोल दू भाई सब ठीक है <laughs> आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आप मेरे को दस रोने दो दोगे राइट right. और फिर कुछ नहीं है फिर मैं आपको कहूँगा अरे सब सही हो जाता है तीन चार इंस्टाग्राम के कोड चिपका दूंगा आपको भी लगेगा ओ हो, हो, हो हाँ, क्या बात कर दी भाई राइट right. थोड़े घंटे बाद आपको लगेगा यू विल बी बैक टू वन राइट आई थिंक रियलिटी बेसिकली आ जाती हाँ. है मुझे लगता है कि एक्शन लेना मोटिवेशन से बहुत ज्यादा बेटर है मतलब आई थिंक सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कुछ ऐसा कंज्यूम करो जिसको सीखकर आप तुरंत एक्शन ले पाओ आई थिंक कर ही लो काम कर हम लो मतलब कर लो एक्शन ले लो यार मेरे को कंटेंट सुनने के अंदर अंदर ही आदमी रह जाता है फील के थोड़ा सा काम एफर्ट डाल दो काम करने में यू विल ऑटोमेटिकली लर्न अगर Definitely. आपको कुछ करना है तो विद टाइम आपको सब कुछ दरवाजे अपने आप खुलते हुए दिख जाएंगे क्या, ये भी दरवाजा खुल गया ये भी खुल गया ये भी खुल गया मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स और मुझे लगता है कि दैट वॉज ऑल बुलश क्योंकि वहां से मैं कुछ भी ऐसा नहीं सीखा लेकिन उससे ज्यादा मैंने तब सीखा जब मैंने सड़क पे जाके पैम्फलेट्स बांटे क्योंकि उसने ना वो चीज ना मेरे को ग्राउंड रियलिटी दिखा दी हाँ पर सबकी जर्नी अलग है मतलब मैं बता सकता हूँ जैसे मेरी जर्नी पूरी अलग है आपकी अलग है एक इंसान की अलग है अब जैसे मेरे लिए सेल्फ हेल्प बुक्स आई थिंक एक या दो मैंने पढ़ी होगी अब वो मेरे साथ कनेक्ट हो गई तो मुझे ऐसा लगा रहा है यार ये तो बढ़िया बात बता रहा है ये फिर उसको मैंने यूज करने की कोशिश करी hmm. तो वो मेरे लिए काम भी कर गई एंड आई गॉट सक्सेस आउट ऑफ इट तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर बंदे को अपने हिसाब से ही समझ आती है दैट्स व्हाट आई फील अपनी लाइफ की जर्नी को कोई इंसान किसी चीज के साथ कनेक्ट कर ले और कुछ सीख जाए तो वो अच्छा है नहीं कनेक्ट कर पाएगा तो वो हमेशा है।, अब जैसे कि कोई मोटिवेशन वाला ज्ञान जब दे रहा होता तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाता मुझे बहुत हंसी आती है मुझे लगता है यार ये जो तुम बातें बोल रहे हो इसके बैकग्राउंड की स्टोरी में तुमने एक्चुअली में कुछ इतना बड़ा अचीव नहीं किया इट्स नॉट दैट यू हैव अचीव्ड यू आर नॉट अंबानी

उसको लेते वक्त मेरे को सबसे पहले सोचना है कि इससे सोसाइटी में क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है अरे right? कोई दिक्कत नहीं है <laughs> को, कोई टेंशन नहीं है सब सही हो जाएगा मतलब यू नो इवन नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स आई हाइव ने मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रियलिस्ट टॉकउट दीज थिंग्स के अरे बस चढ़ाते जाओ लोगों को फालतू में सब कुछ ही अच्छा है

तो ई विल सेम ही ना कि हाउ विल दैट डू एनी थिंग मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स नंबर वन आई नीड मनी टू लिव ऑफ राइट आपको पहले तो वो चाहिए सेकंड इफ यू हैव यू नो रिजन अप फ्रॉम दैट लेवल के uh. अब चलो मैंने कर लिया है नाउ यू थिंक अबाउट दैट हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट मोर द सोसाइटी है ना व्हाट कैन आई डू तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड मनी

वरना वेस्ट है सिर्फ बातें करते तो रहोगे कल को मैं आपके पास आके कुछ बोलने लग जाऊं यार तुम्हें पता है जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं तो यू विल बी लाइक ठीक है है मेरे भी है मेरे भी <laughs> है

गुड वे टू लोकेटेट फिर वो जो इनपुट्स देंगे आप एटलीस्ट इस पोजिशन में हो कि आप उसे एग्जीक्यूटिव बच पा रहे हो मनी नहीं बनाया तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं यू यू फेस दीज थिंग्स वन यू वर बिल्डिंग ठेका

में जब ऐसा फोर्टीन ईयर आई वाज वर्किंग तब मेरे को ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम आई है तो मेरे को हंसी आ जाती थी कि प्रॉब्लम आई है अब मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जहाँ यू डोंट शेल्टर और बेसिक नेसेसिटीज तो ये तो अब क्या ही होगा तो मेरा जब भी आया कोविड के टाइम पे तो पीपल थॉट दैट आई फेल्ड बट आई वाज एक्चुअली लाफिंग ऑन इट कि क्या हो जाएगा मैं एक लारी लेके फिर से चालू कर लूंगा पास इट्स नॉट अ बिग थिंग अ गुड लुकिंग पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट सेलिंग एटलीस्ट फिफ्टी बॉटल्स ऑफ कॉफी तो मैं बेच सकता हूँ क्योंकि दो सौ बॉटल पहले बेचता था हाँ. पचास डेढ़ सौ ही कम बिकेगी ना पचास पचास दूंगा उतना उतने में मेरा हो जाएगा तो बट देन हाँ। हाँ। uh, मुझे लगता है कि काम करना बहुत जरूरी है अगर आप काम करने लग जाते हो तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार ये चीज मैं अपने काम से ठीक कर लूंगा जो मेरे एक्शन है उससे मैं इसको ठीक कर लूंगा बाद में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि वो वक्त बिगाड़ने का टाइम नहीं होता अल्टीमेटली वेन यू और आप बात करोगे तो आप टाइम बिगाड़ रहे इट

हो, जो आज की जनरेशन अगर वो जल्दी कर ले उम्र में तो उनकी 21 से 25 की जिंदगी बहुत हैप्पी जाती है hmm. आप बहुत सक्सेसफुली लिव कर पाते हो hmm. आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर पाते हो आप अपनी मर्जी की चीज खरीद पाते हो जो भी आपके शौक है आप सारे पूरे कर पाते हो hmm. खुद के दम पे सो आई थिंक वो एक बहुत ही फ्रीडम वाली फीलिंग है और जब हाँ. आप किसी भी डिपेंडेंट होते हो अपनी 21 से 25 में अगर आप अगर आज आपका मन है बीजा जाके पार्टी करने अगर आप नहीं कर पा रहे हो इफ यू तो आपने काम कर लिया होता तो आप आज कर पाते आस्किंग के मुझे भेज दो मुझे पैसे दे दो मुझे हाँ। टिकट करानी है वो मैंने अच्छा प्रफुल सर की एक रील देखी थी उसमें उन्होंने कहा कि बाईस बाईस साल के बच्चे आईफोन लेके शो ऑफ कर रहे होते हैं अरे यार बनाया किसी और ने पापा ने खरीद के दिया तूने किया क्या एंड दैट थिंग हिट मी हार्ड राइट कर लेना चाहिए मेरे लगता है ऐसा नहीं एजुकेशन करनी चाहिए पढ़ाई कर रहे हो हाँ। आप लोग शायद स्कूल कॉलेज में हो गए इस एज में पढ़ाई करो साइड में कुछ कर लो Hmm. एक दो घंटे सच्ची बता रहा हूँ स्कूल और कॉलेज में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें सिखाई जाती है जो तुम बिजनेस बिल्ड करने के टाइम पे यूज करोगे कुछ भी नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा है hmm. मतलब मैंने किताब खोली ही नहीं है लाइफ में आज तक hmm. ऐसा है दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ आई हैड सो उस कारण से आई नो इज के मेरी कोई भी पढ़ाई ना करने के बावजूद मैं इतनी सारी चीजें जैसे आई एम बेटर देन ए सी एफ आई एम सिटिंग विद हिम आई नो माई बुक्स वेरी वेल आई नो माई पी एन एल स्टेटमेंट प्रेल आई नो हाउ टू क्रिएट सिस्टम्स जो बहुत बड़ी चीज होती है बनाना अपने बिजनेस के अंदर मेरे को एचआर की सारी चीजें आती है मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड सब आता है मुझे बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स सब आता है स्कूल नहीं सिखाता कॉलेज भी नहीं सिखाता कहाँ सिखाते हैं दे टीच यू मैनेजमेंट बट थिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकली डन तब तक आपको नहीं समझ आया प्लस uh, बहु, बहुत सारा है मैंने अपने 11, बट मैंने अपने इलेवन ट्वेल्थ की टीचर्स के मुंह पे बोला था कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो कहीं काम नहीं आने वाला वेरी गुड थिंग एंड एंड डोंट वरी अबाउट इट मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है इससे आपका घर चलता है एंड दे दे रियली रियली सो हाँ, कॉलेज so, के अंदर अगेन वट है फेल तो होना ही था आता तो था नहीं पढ़ाई वढ़ाई करना सो so, फेल होता गया तो मैडम की नजरों में गिरता गया कि इसको हाँ, कुछ भी नहीं आता है तो इसको हाँ, तो, तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है फिर और नॉटी हरकतें हमेशा से ही थी मतलब मेरी हरकतें ऐसी नहीं थी कि आई वॉज इिटेटिंग सम बडी बट आई ऑलवेज यूज टू एंजॉय आई कॉन्ट लिव इन बाउंड्रीज मुझसे होता ही नहीं है हाँ, तो मुझे बोलोगे बारह बजे ही आना है तो मैं नहीं आ सकता मैं साढ़े बारह एक हो ही जाएगा मुझे मेरे से होता ही नहीं है वो चीज आप मुझे बोलोगे ये चीज नहीं करना है तो मुझे लगेगा कि क्यों नहीं करना ये हाँ. तो आपने रूल बनाया है, तो आई कॉन्ट स्टे इन रूल ऐसा मेरा प्रॉब्लम है हमेशा से तो उनको वो एडजस्ट नहीं हुई सो दे टुक मी आउट बट वन मैडम गेम मी अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट तेरा फ्यूचर बनेगा कैसे फाइव like मिनट्स का लोन लिया बीबीए करने के लिए अगेन तू एम बी ए करेगा अपनी ग्रोथ के लिए तो तेरी बीस साल से तीस साल की उम्र वो एमबीए के लोन और बीबीए के लोन उतारने में निकल जाएगी अगेन बेसिक नेसेसिटीज तेरी फुलफिल नहीं हुई होगी सो वो सुनते ही मेरे को रियलाइज हो गया था कि नहीं यार आई वॉज ऑलवेज राइट अप्रिसिएशन मिल जाता है अपने थॉट को कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं ही करनी है hmm. मुझे वड़ापाव बेचना है भले रोड पे खड़े हो लेकिन मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ एंड आई थिंक आई बिल्ड अ बिजनेस एंड हाउ मच आर यू ऑफ रेवेन्यू

अब यहाँ से इज नॉट पॉसिबल ऐसा है कभी आपको कॉलेज के टाइम फील हुआ है कि जब प्रोफेसर पढ़ा रहा हो और आपका एकदम से मन करे उसके कान में जाके बोलने का कि भाई ऐसे नहीं होता है नहीं मैं क्यों नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ाई <laughs> कढ़ाई में बैठा ही नहीं हूँ क्लास में वरना मैं बोल देता <laughs> मेरा बहुत करता था मतलब uh, like you, मैंने ट्वेल्थ में बोल दिया था नहीं काम आता है एंड यू नो माय अकाउंट्स टीचर माय अकाउंट्स टीचर ने ना एक्चुअली मैंने कुछ मस्ती कर दी थी तो मेरी अकाउंट्स टीचर ने ना वो एकदम से ऐसे करके पटक दिया आ, मेरी कॉपी पटक दी एंड शी वाज लाइक देख तेरे को अभी पता नहीं है मार्क्स मैटर करते हैं एंड दई वॉज अकाउंट्स मतलब मेरे से ना वो वो बनते ही नहीं है वो ऐसे करके एंट्री वेंट्री करना मेरे से नहीं होता आई हायर यार मैं नहीं करूंगा वो करो मैं जिसमें अच्छा हूँ वेरी क्लियर इन टो आई मैंने कहा मैम मेरे लिए तो नहीं है इंपॉर्टेंट मैं तो कर लूंगा क्योंकि मैं कर रहा राइट right. और मैं करता आया हूँ <laughs> तो भाई ये नो इफ्स एंड इन लाइक के ठीक है बट क्या है ना तुम ऐसी चीजें बोल करना बाकी बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हो <laughs> मैंने कहा सी दिस इज द थिंग जो कि ज्यादातर लोग ना गलत समझ लेते हैं पीपल <laughs> थिंक के जस्ट बिकॉज समवन हैज ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज और अब कोई बहुत सक्सेसफुल कंपनी चला रहा है फाउंडर है राइट लाइक पीपल लुक एट अलग पांडे एंड देर लाइक ड्रॉप आउट करा एंड नाउ इज बिल्डिंग फिजिक्स वाला तो पीपल सी इट इन दिस वे के अच्छा ओके okay, मतलब ड्रॉप <laughs> आउट है और तो ही इज अ बिलियन एरिया यू नो एक वैल्यूएशन बिल्ड कर लिया अच्छी कंपनी बिल्ड कर लिया इट्स नॉट लाइक लाइक वो ना वाइस वर्सा ले लेते हैं उस चीज को <laughs> है ना कुणाल शाह सेड इट वेरी राइट ही सेड के मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट हु आर सुपर इंटेलेक्चुअल दे डोंट बिलीव इन गॉड बट इट वर्क आप अगर भगवान में नहीं मानोगे तो आप सुपर इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाओगे yeah. लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रॉप आउट कर लिया तो बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप बना देंगे राइट आई थिंक ही टोल्ड दिस थिंग वेरी नाइसली अलग पांडे सर ने ये बात बोली थी उन्होंने कहा कि आ, आप ना इसको ग्लैमराइज मत करो yeah. ड्रॉप आउट करने को आप ग्लैमराइज मत करो आप ये समझने की कोशिश तो कर कि उस बंदे ने ड्रॉप आउट क्यों किया कहने का मतलब ये है भाई वॉज ही डूइंग समथिंग जहां पर उसे लगा कि यार मैं यहां पर टाइम दूंगा यहां पे वैल्यू दूंगा तो ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू गिविंग माई टाइम इन कॉलेज राइट

काफी सारी चीजों में दे हेल्प मी दे, दे हेल्प मी बिल्ड माई पर्सनैलिटी uh. हाउ टू तो डू पब्लिक स्पीकिंग uh. कैसे स्टेज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ की उन्होंने सिखाई सो आई थिंक उस टाइप की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है hmm. उसके अलावा की एजुकेशन आप काम करते करते सारी ले, मिल जाती है जाते हो 100 जो भी ये बोलता है है कि एजुकेशन कॉलेज से मिलती है और आप नहीं सीखोगे वो गलत है आपको एजुकेशन बाहर आराम से मिल जाएगी जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये मेरे को सीखना पड़ेगा और यूट्यूब गूगल सब जगह पे ज्ञान है आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको करना है तो हजार लोग आपको हेल्प कर देंगे उस टाइम पे सो आई वर्क विद गायस का फाउंडर सौराब सीताराम आई थिंक महीने में उसने मुझे इतनी चीजें सिखा दी जो मुझे शायद कभी कोई स्कूल नहीं सिखा पाता या कॉलेज नहीं सिखा पाता सो बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन फूड इंडस्ट्री अपने पीक पे थे वो ही वॉज डूंगोर हंड्रेड आउटलेट्स एंड काफी अच्छी ग्रोथ पे थे सो आई जस्ट वेंट टू हज ऑफिस के टू लर्न फ्रॉम यू तो मेरे को तो सीखना ही है दैट्स विल अल्टीमेटली एंड ही अ वेरी नाइस गाय तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया आई वॉज विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड ग्रेट एजुकेशन तो आपको सीखने को बाद में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इट्स नॉट कॉलेज और स्कूल्स जहाँ से आप सीख सकते हो सिर्फ क्या आपने ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर लोग जो लोग लाइफ में यू you नो know, कुछ अचीव कर लेते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं हंड्रेड परसेंट वैसे ही होना चाहिए मैं तो खुला बोल देता हूँ अगर कुछ खराब है Hmm. I think you should always uh, be very straightforward. And if it is not, it is you don't give a shit, na. <laughs> Why do you want to improve somebody else? हाँ. मतलब आप क्यों कोशिश कर रहे हो? आप मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है. I really don't think hmm. के लोगों की ideologies क्या है. मेरी ideology ये बोलती है कि मैं एक तरीके का इंसान हूँ. मेरे साथ जो कनेक्ट कर सकता है मेरी बातों से हाँ। वो मेरी बातें सुने बाकियों को मेरे को ठीक करना ही नहीं है अल्टीमेटली हाँ। क्योंकि मेरे को सही में ज्ञान देना नहीं अच्छा लगता मुझे सबसे घटिया चीज ये लगती है कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ हाँ। स्पेशली बैठ के इतनी ऐसा ही होता है आई फील परस्पेक्टिव बहुत बड़ा होना डिफरेंट है

तो जब मेरा आउटलुक पॉजिटिव है तो मैं अच्छी तरफ ही देखता हूँ मेरे को नेगेटिव साइड लोगों की दिखती ही नहीं है कोई मेरे के साथ कुछ फालतू की बात भी कर रहा होगा मैं बोलूँगा हाँ यार बढ़िया है इसका तो हो रहा है ना उससे मेरा क्या जा रहा है अल्टीमेटली हाँ। तो मेरे थॉट प्रोसेस वैसे है सो तो जिनको कनेक्ट

एट दी एंड ऑफ दीपी टी यू नो वॉट माई लास्ट स्लाइड वॉज मेरी लास्ट स्लाइड पे लिखा था कि भाई कस्टमर इज गॉड हा

कौन? हाँ क्यों यू फर्स्ट लिसन टू राइट अंडरस्टैंड कस्टमर फीडबैक इज वेरी द मोस्ट बेस्ट गिफ्ट कैन गेट मुझे लगता है कि अगर कस्टमर आके तो मैं बता रहा है ना कि भाई देख तेरा प्रोडक्ट बेकार हाँ है एक्सेप्ट हाँ, हाँ, है, करना चाहिए तो भाई उससे पूछ लो बैठ के कि भाई मेरे को बता दे क्या बेकार है what should I improve? If एट दैट टाइम और यू गो एंड स्टार्ट टू गिव हिम ज्ञान के अरे तेरे को नहीं पता and all that thing, never buy from मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में कस्टमर्स की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ गॉड इज स्टैंडिंग आउटसाइड माई डोर ना एंड अ कस्टमर इजिंग आई फर्स्ट एड्रेस द कस्टमर राइट क्योंकि भगवान मुझे नहीं पता कि से मेरे यहाँ पे खाना आएगा नहीं आएगा बट मुझे पता है कि कस्टमर को मैंने सर्व कर दिया तो आई विल बुट फूड माइंड सेट नहीं है मैं जब भी करोलबाग जाता हूँ सरोनी जाता हूँ इन सारी जगह पे जाता हूँ यू गो टू दीज मार्केट्स एंड यू विल इट विल ब्लो यर माइंड आपको दिखेगा की इतने सारे लोग है दे आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट एनी थिंग मतलब मैंने एक बंदा देखा जो बाहर खड़ा होकर दुकान के चीखे मार रहा है की जीन्स है जीन्स है है, है, right? फर्क नहीं पड़ता uh. इंपॉर्टेंट है पहला कि मैं कैसे बुलाऊं कस्टमर को hmm. और दूसरा जब वो अंदर जाए दुकान में मैं कैसे उसको बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाऊं सस्ते से सस्ते में मतलब इन सरोजनी, uh -huh. तो मैं इस बंदे को सस्ते से सस्ते में कैसे बढ़िया से बढ़िया चीज दे दू कस्टमर समझ गया see, वहाँ पर जो बाहर लड़का खड़ा है ना सोलह साल का अठारह साल का जिसको बाहर चीखने के लिए लगा रखा है वो कितना ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो एरियाज है ना करोलबाग सरोजनी लाजपत ऑल ऑफ दीज एरियाज़ मतलब जो बिग राइट इवन इन सीपी इन सारी मार्केट्स में ना आपको रियल धंधा दिखेगा

you <laughs> <laughs> वो मेरे को ले गया दुकान पे उस बंदे ने ले मेरे को परफ्यूम दिखाया नहीं उसने मेरे से पहले पूछा कि आप क्या खरीदना चाह रहे हो आई लुक डेट दैट पर्सन जिसने मेरा हाथ पकड़ा था मैंने कहा भाई मेरे को तो कुछ लेना ही नहीं था तेरे को बताया तो उसने बंदे ने मेरे से सामने से पूछा कि आप कैसी फ्रेग्रेंस पसंद करते हो और आ, आपको क्या चीज पसंद है अब देखो आई तो ओपनली से अब मेरे को तो वुमेन वाली फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद है मैं वुमेन परफ्यूम बाई करता हूँ पता नहीं आई डोंट नो फॉर वट रीजन मेरे को अच्छा लगता है फिर उसने मेरे को पर्टिकुलरली दिखाना उसने पहले मेरे से पूछा कि तुम्हारा काम क्या क्या है करते हो उस हिसाब से उसने मेरे को चीजें आई रियली मैंने कहा यार लाजपत में इतना

बंदा आपको दे देता है तो वहां से आई बंदे ने ना पहले अपने दिमाग में वो प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रखा है कि हाँ। देख इतना तो मैं कमा के निकलूंगा इससे तो। कम में तो मैं नहीं बेचने वाला हूँ तो like कर रहा है ना हमेशा रखना चाहिए और यही चीज थी जो मैंने पीपीटी में हाईलाइट करी हाँ। मैंने कहा देखो ये एक्चुअल रियलिटी ठीक है ये सब ये बाकी ये सारी ये जो टर्म टर्मिनोलॉजीज है ना ये सब जो किताबी वाली है दे रियली डोंट वर्क मैंने कहा यार इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा तो वो लाजपत वाला बंदा है यार Ah. कम से कम उसे धंधा बनाना आता है कर रहा है already. कर रहा है वो वो लेजे वो कर रहा है पीपल थिंक के आइसक्रीम बेचना पापड़ बेचना या यू नो एनीथिंग

He is making uh, and he is standing in a half shorts. Uh, कह रहा है आजी सर कौन सी प्लेट लगाऊं? इतना मजा आता है मेरे को ये चीज़ देखने में। You know maybe people have that thing and I can guarantee for sure that that guy who is sitting in a suit right in front of that momos वाला he will he always has this thing in his mind that I am superior than this guy who is selling me momos. Uh, Majority of the people think that way. उन्हें right? लगता है कि यार ये momos बेच रहा है मै क्यूबिकल में बैठ के काम करता हूँ तो मैं ज्यादा बढ़िया हुआ ना मतलब मैं, तो मैं मस्त हुआ ना तुम्हें नहीं पता हुआ कितना कमाता है तुम्हें नहीं पता भाई वो कितना कमाता है जस्ट बिकॉज इज इन शॉर्ट्स उसका कोई मतलब कोई नहीं है मतलब हो सकता है कि तुम क्यूबिकल में बैठ के भी परेशान हो क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं और वो शॉर्ट्स में भी सड़क पर बेच के खुश है है भाई क्योंकि उसे पता है पैसे आ रहे हैं तो आई थिंक वो चीज बहुत ज्यादा है इंडिया में तो स्पेसिफिकली yes. बाहर की कंट्रीज में मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ उनको कोई फर्क लोग मेक्टोनल्स में काम करने को भी इक्वली ट्रीट करते हैं yes. जनरेटर के काम को भी इक्वली ट्रीट करते हैं हर एक काम को मतलब hmm. सॉर्टेड कोई इशू ही नहीं है हर एक काम को वहां पे बंदा इक्वली ट्रीट करता है दे नेवर सी वर्क एज टॉप ज वर्क इज वर्क यू गैट पेड फॉर इट यूट फूड एंड एंड चेल यारेरे को ऐसा लगता है बाहर ये कल्चर बहुत ज्यादा बेटर है आइडिया से की पीपल डोंट जज ऑन द वर्क दे जज ऑन द थिंग दैट पर्सन इज वर्किंग